उसे ख़त्म करना है। शिवहर में हर एक दफ्तर में, हर एक कार्यालय में आप जाइए, छोटे छोटे कामों के लिए परेशान किया जाता है, छोटे छोटे बातों के लिए दोहराया जाता है, पैसा मांगा जाता है, रिश्वतखोरी किया जाता है। बीच में जो इंटरमीडियरी लोग हैं वो बीच में कमीशन खाने का काम करते हैं और आम जनता त्रस्त है, परेशान है। हर दफ्तर, हर कार्यालय लगभग सबका यही हाल है और इसको मिटाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप किसी भी युवा को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि राकेश शिवहरी आपके साथ है। अगर आपके साथ कोई गलत काम करता है, कोई भी पदाधिकारी शिवहर के जिला में, तो उसे थप्पड़ मारने से भी आप ना हिचके। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जिला अधिकारी भी गलत करता है तो उसे भी एक थप्पड़ कान के नीचे चढ़ के आइए। राकेश शिवहरी आपको छुड़ाने का काम करेगा और राकेश शिवहरी आपको साफ करने का काम करेगा। राकेश शिवहरी एक अधिवक्ता है, हम दिल्ली के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, शिवहर की धरती पर आप लोगों के हक और हुकूक की आवाज उठाता है और आपके साथ है। जब तक इनके अंदर खौफ पैदा नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और आपके अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि आपके साथ भी कुछ नहीं होगा अगर आप कोई कदम उठाएंगे। अब कोई भगत सिंह बने लेकिन भगत सिंह को फांसी पे नहीं चढ़ने दूंगा, ये राकेश शिवहरी का वादा है। न्यूज ऑफ बिहार से इसमें उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है जो शिवहर के समस्त कार्यालयों में, पंचायतों में जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं, उन पंचायतों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, जो कि डीडीसी के वजह से हो रहा है, जो जिला परिषद चेयरमैन की वजह से हो रहा है, जो जिलाधिकारी के ढीलापन की वजह से हो रहा है और अफसरशाही के वजह से हो रहा है, उसको मिटाना मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई भी आम आदमी अपने किसी भी समस्या को लेकर किसी भी अधिकारी से मिलने जाता है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता, बीच में कमीशनखोर और दलाल आ जाते हैं और उनके माध्यम से दलाली लेकर काम करने का काम किया जाता है और उन्हें कई कई हफ्तों, कई कई महीनों तक चक्कर लगाना पड़ता है और फिर भी उनका काम नहीं होता। तो इन चीजों को ठीक करने का काम ये भ्रष्टाचार विरोधी मंच और इसके तमाम सदस्य और हम सारे युवा मिलकर करेंगे ताकि इस जिला से भ्रष्टाचार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। सर आप कहने का मतलब है कि जहां तक जीरो से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्ट है, आप जैसे बता रहे हैं मुख्यमंत्री तक, तो सर आप जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो अगर आपकी मांग को नहीं मानी जाए तो क्या करेंगे सर? हम इसको और तेज बनाएंगे। हम देखिए, अंग्रेज भी हमारी बात नहीं माने थे जब हम आजादी मांगने गए थे, तो आज़ादी शांति से भी हमारी शुरुआत है कि शांति से आप हमें आज़ादी दे दो, शांति से इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दे दो, नहीं तो हम बहुत तेज उग्र आंदोलन भी करेंगे और भगत सिंह का रूप भी अख्तियार करेंगे लेकिन फांसी पे भी नहीं चढ़ेंगे, ये हमारा वादा। सही, आपका धरना जारी रहेगा या फिर नहीं? ये दिन के लिए धरना चरणबद्ध होगा, ये आज पहला शुरुआत है। इसका मुख्य मकसद युवाओं के बीच पहले आत्मविश्वास जगाना था कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उन्हें ये डर है। देखिए, आवाज़ हर एक युवा उठाना चाहते हैं, आप भी उठाना चाहते हैं, ये भी उठाना चाहते हैं, हर कोई उठाना चाहते हैं, लेकिन सबके अंदर एक डर है कि इन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर कारावास के अंदर डाल दिया जाएगा, इन्हें जेल का हवा खिला दिया जाएगा, इस डर से ये बोलते नहीं है। तो इन्हें आत्मविश्वास पैदा करना कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम भगत सिंह बनो लेकिन फांसी पे चढ़ने नहीं दिया जाएगा, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। सर अभी जिस तरह धरना बैठे हुए हैं और काफ़ी युवा देख रहे हैं आपके साथ है जो हमारे कैमरा पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आप किस तरह का आगाज़ ज़िले में करेंगे इस धरने के माध्यम से सर? और जिलों में आगाज़ तो हो चुका है जी, इसका अंजाम यहाँ कहाँ तक जाएगा वो बताएगा सर? अंजाम भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर होगा, भ्रष्टाचार जीरो होगा, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और यही हमारी सफलता का राज भी बनेगा। जब तक हम भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाएंगे तो इस भ्रष्टाचार विरोधी मंच बनाने का कोई फायदा नहीं। कुछ संदेश देना चाहेंगे सर जिलेवासियों को? जिलेवासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, भ्रष्टाचार ताली एक हाथ से नहीं बजती, अगर भ्रष्टाचार वहाँ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं, क्योंकि आप वहाँ पैसा देते हैं तो वो पैसा लेते हैं, अगर वो आपसे पैसा मांगते हैं तो आप उन्हें थप्पड़ मारिए, आप उनका स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आप उनके साथ कुछ भी कीजिए, राकेश शिवहरी आपके साथ खड़ा है, आपको कुछ नहीं। सर जनता जो शहर है वो तो सर जब कोई काम के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर कोई पैसा उसे मांगता है जैसे आप बता रहे हैं, तो वो तो अपने काम करवा कर निकले, वो आवाज़ उठाती नहीं है। क्या उसका आवाज़ जो बुलंद करेंगे आप? बिल्कुल आवाज़ बुलंद करेंगे, आपको जैसा ज्ञात हो, और पिछले 8 महीने से मैं ये काम कर रहा हूँ,
जैसा कि आपको पता है भ्रष्टाचार विरोधी मंच का गठन जून या जुलाई महीने में हुआ था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। और सबसे पहले मैंने इसका आगाज सरफुद्दीन विधायक के खिलाफ किया था, सरफुद्दीन के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार का पोल खोलने का काम किया और इसका नतीजा आपने देखा कि किस तरह सरफुद्दीन को का पतन हुआ और सरफुद्दीन का पत्ता हमेशा के लिए साफ हो गया। इसी तरह हमने 3 जजों को सस्पेंड कराने का काम किया है और भी कई काम आपको हम भविष्य में दिखाते रहे। सर आपने आगाज तो कर दिया है, तो हम आशा करते हैं कि सीवर जिले से भ्रष्टाचार पूरे जड़ से खत्म हो जाए, जैसा आपने उद्देश्य बताया उस तरह चल रहे हैं। आप क्या एक 1 लाइन में सर संदेश क्या देना चाहेंगे? आगाज भी अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा, जब आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। धन्यवाद। बीच में एक संदेश देना चाहता हूं कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि राकेश शिवहरी आपके साथ है। और डर कहां से पैदा होता है? डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि आपके अंदर अज्ञानता है, आप जानते नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि आप भविष्य को नहीं जानते, इसलिए आपके अंदर डर है। तो मैं आपको ज्ञान भरने का काम कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पदाधिकारी अधिकारी अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो उसके अंदर डर पैदा होना चाहिए, नहीं कि ना कि आपके अंदर। और उसके अंदर डर पैदा करने के लिए आप क्या करें, जब भी कोई पदाधिकारी आपसे रिश्वत मांगे, पैसा मांगे, आपको परेशान करे, तो उसे एक थप्पड़ जड़ने का काम करे गाल के नीचे, और उसमें 323 धारा लगता है, वो जमानती धारा है, उसमें आपको कुछ नहीं होगा, आपके खिलाफ एक FIR दर्ज होगा, छोटा सा FIR, आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन उस अधिकारी की बेइज्जती होगी। और शुरुआत कोई तो करेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो किसी न किसी को बांधना होगा, वो घंटी बांधने का काम हमने कर दिया है। और अब हमारा बीच यहाँ पर मौजूद, लेकिन समाज के बीच हर बार उसे कहेगा यही अधिकारी है जिसे थप्पड़ मारा जाता है, थप्पड़ मारने वाला आदमी है। ठीक है, बिल्कुल भ्रष्टाचार की पोल खोल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.